गाइस, वेलकम टू माय चैनल इजी नीटिंग क्लासेस। तो देखिए फ्रेंड्स, एक ये कैप लेकर आई हूँ आपके लिए। बहुत ही प्यारी सी और बहुत डिसेंट लुक की कैप है, बीनी कैप है। काफ़ी थोड़ी सी लेंदी बनाई है मैंने, इसकी लेंथ काफ़ी अच्छी रखी है। आगे वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताया है मैंने कि इसको किस तरह से बनाना है। ये देखिए, इस तरह से बहुत ही सुंदर ये कैप आई है बनने के बाद। और ये पैटर्न जो है मैं अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप ये पैटर्न सेपरेटली देखना चाहते हैं तो मेरे उस वीडियो को देखिए। इस पैटर्न का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सारा कुछ बताया हुआ है वीडियो में मैंने आगे। ये पैटर्न तो बहुत अच्छा लगता है, आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, जैसे कि अपने जैकेट्स में, जेंट्स स्वेटर में, लेडीज स्वेटर में, सारे प्रोजेक्ट्स में ये बहुत अच्छा लगेगा। स्पेशली कैप वगैरह में तो बहुत अच्छा है। तो ये देखिए फ्रंट साइड से, ये देखिए रॉन्ग साइड, इसका यहाँ पे मैंने इसकी ये स्टिचिंग की है। देखिए बिल्कुल भी डिज़ाइन ऐसा है कि बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है कि हमने यहाँ पे इस तरह से सिला हुआ है। और ये देखिए ऊपर कुछ इस तरह से आया है इसका राउंड। बहुत आसान तरीका है इसको बनाने का, बहुत सरल तरीके से मैंने बताया हुआ है। और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, क्योंकि फिर आप लोग फुल वॉच नहीं करते हैं तो फिर बोलते हैं कि शुरू से बताइए, बीच में से बताया है, ये बताइए वो बताइए। तो पहले आप वीडियो को फुल वॉच किया करें, स्किप ना किया करें, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि क्या होता है, इतने सारे फंदे होते हैं तो इन पर एक एक सिलाई बताना पॉसिबल नहीं है, एक एक फंदा बताना पॉसिबल नहीं है। अगर मैं एक एक फंदा एक एक सिलाई बताने बैठूंगी तो कम से कम वीडियो 3 से 4 घंटे की ये हो जाएगी, इवन ज़्यादा की हो जाएगी। ठीक है, तो इतनी लंबी वीडियो बनाना जो है पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम एक लाइन बता के, थोड़ा सा बता के, समझा के आपको आगे बढ़ते हैं। इसलिए छोटे जो है सैंपल पे हम आपको बताते हैं। तो आगे वीडियो में मैंने बताया है, बिल्कुल तरीके से फुल वॉच कीजिएगा वीडियो को, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक बात और गाइस, मेरे 2 चैनल और हैं। एक है क्रोशिया का, क्रोचिट का। अगर आप क्रोचिट के प्रोजेक्ट देखना चाहते हैं, जैसे कि कैप, जैसे मैंने ये निटिंग में कैप बनाया है, ये देखिए आप यहाँ पे, इसका बहुत बड़ा है, बहुत ब्रॉड एरिया है। तो जैसे कि मैंने ये निटिंग में कैप बनाया है, तो आप क्रोशिया में अगर आप बनाना चाहते हैं कैप, शूज़, थाल पोज, वॉल हैंगिंग, जो भी प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, स्पेशली बिगिनर्स भी, अगर आपको बिल्कुल क्रोशिया चलाना नहीं आता, तो मैंने वहाँ पर प्रॉपर क्रोशिया के क्लासेस लगा दिए हुए हैं। आप वहाँ पर जरूर देखें एक बार मेरे उस चैनल को। उस चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एक चैनल और है मेरा, जहाँ मैं भगवान जी के कपड़े, लड्डू गोपाल जी के, माता रानी के, राधा रानी के, सारे युगल जोड़े के कपड़े शेयर करती हूँ, ड्रेसेस सब तरह के। जैसे कि आप, जैसे समर्स हैं तो समर्स में समर वाले क्लॉथ के, और विंटर्स में वूल के, इस तरह के जो शेयर करती हूँ वो मैं उसी पर डालती हूँ। ठीक है, अभी मेरा न्यू चैनल है तो अभी उस पर ज़्यादा वीडियो नहीं है, लेकिन एक एक करके मैं अपलोड कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वहाँ पर वीडियो को दिखा कीजिए, पूरा देखिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको मेरे वो चैनल पसंद आए। दोनों चैनलों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए फिर इस कैप को देख लेते हैं कि किस तरह से बनाना है। देखिए, एक ये कैप बनाने जा रही हूँ मैं, एडल्ट कैप, तो सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। तो सबसे पहले ये देखिए, मैंने यहाँ पे इतना बना के रख लिया है। और ये मैंने कैसे बनाया है, इसका मैं पूरा आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ये इतना बना के कंप्लीट कर लिया है। अब इसके आगे हम डिक्रीजिंग करेंगे। ठीक है, इसका मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने ये कितना बनाया है, एक बार और बता देती हूँ। देखिए, अगर इसकी लंबाई देखेंगे, जो लेंथ है वो मैंने बनाई है, देखिए 9.5 इंच। ठीक है, और इसकी चौड़ाई बिल्कुल भी बॉर्डर को नहीं खींचेंगे, तो इसकी चौड़ाई हमारे पास आई है 16 इंच। यहाँ पे आप देख सकते हैं 16 इंच। ठीक है, और ये जो डिज़ाइन है, ये जो डिज़ाइन मैंने आपको बताया है ब्लॉक्स में, ये देखिए कितने ब्लॉक्स बन के आए हैं। यहाँ से काउंट करेंगे 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, 6 बार ये डिज़ाइन डले है, यानी कि 60 सिलाई हमने बनाई है। एक जो ब्लॉक है वो 10 सिलाइयों में होता है। अब इसके आगे मैंने यहाँ पे ये जो सिंपल फंदे डाले हैं, बिल्कुल सादा, और इसमें मैंने 122 फंदे डाले हैं। ठीक है, 120 फंदे डाले हैं मैंने इसमें, और 2 फंदे मैंने एक्स्ट्रा किए एज स्टिच के लिए, एक इधर से और एक इधर से। ठीक है, तो टोटल मैंने यहाँ पर 122 फंदे डाले हैं।
अब देखिए यहाँ पे दो उल्टे और दो दो सीधे, दो उल्टे, दो सीधे, दो उल्टे की मैंने यहाँ पे ये रिब बनाई है। ठीक है, देखिए दोनों साइड से दो सीधे दो उल्टे, दो सीधे दो उल्टे, यहाँ पे मैंने ये 2x2 की रिब बनाई है। और इसकी मैंने आपको मेजरमेंट बता देती हूँ मैं फुल। और ये जो रिब मैंने बनाई है टोटल 14 सिलाइयों की बनाई है। ठीक है, 14 सिलाइयों की बनाई है। और अगर इंची टेप से देखें तो ये मैंने 2.5 इंच की बनाई है, मान 2.5 इंच से थोड़ा सा, नहीं, टोटली 2.5 इंच की बनाई है, सॉरी 2.5 इंच की ही बनाई है ये मैंने टोटल। ठीक है, 14 सलाइयाँ 2.5 इंच की बनाई है। अच्छा, मेरी ये जो वूल है, अच्छा वूल देख लेते हैं इसकी, हमने कौन सी वाली यूज़ की है। यहाँ पे देखिए वूल मैंने थोड़ी सी थिक यूज की है, 6 प्लाई वूल है और 9 नंबर का मैंने यहाँ पे निडिल यूज किया है। सॉरी ब्लर हो रहा है, 9 नंबर की मैंने सिलाइयाँ यूज की हैं, तो थोड़ा थिक वूल है, तो इसलिए मेरा ये जो 14 सिलाइयों में 2.5 इंच का बॉर्डर आया है। अगर आप 2.5 इंच का बनाना चाहते हैं तो इंची टेप से मेजर करके बनाएं, हो सकता है आपका 16 या 18 सिलाइयों में आए। अगर आप 4 प्लाई वूल यूज कर रहे हैं, तो मेरी थोड़ी सी मोटी वूल है, थोड़ी सी थिक वूल है, 6 प्लाई वूल, तो इसलिए जो मैंने 14 सिलाइयों में यहाँ पे ये 2.5 इंच का बॉर्डर बनाया है। इसके बाद ये कैसे बनाया है बिगनर्स के लिए, ये मैं अभी आपको कम फंदों पे डाल के बता दूंगी। अच्छा, ये जो पैटर्न मैंने यहाँ पे यूज किया है, तो यहाँ पे ये 122 फंदे डालने के बाद यहाँ से ये हमारे पैटर्न की स्टार्टिंग हुई है। देखिए मैं थोड़ा सा क्लोजअप देती हूँ आपको पहले। देखिए जहाँ से ये हमारे पैटर्न की स्टार्टिंग हुई है, यहाँ से मैं आपको बताती हूँ, इस जगह से, तो यहाँ पे मैंने 20 फंदे बढ़ाए हैं, यानी कि यहाँ से मैंने इसको थोड़ा सा स्लाउची लुक देने के लिए, फैला हुआ लुक देने के लिए, मैंने इसको जो है बीनी वाला लुक देने के लिए 20 फंदे यहाँ पे बढ़ा दिए ऊपर। तो यहाँ से मेरे पास टोटल 142 फंदे हो गए हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी बढ़ाए कैसे हैं और कितने फंदों के बाद बढ़ाना है, ये सारा कुछ अभी मैं आपको बता दूंगी कम फंदों पे। तो और ये पैटर्न अगर मैं आपको पूरा इतने 142 फंदों पे बताती तो आपको समझ में नहीं आता। काफ़ी व्यूअर्स मेरे से कहते हैं कि मैं उन्हें कम फंदों पे एक पैटर्न बना के बताऊं। अच्छा, इसमें क्या है, देखिए यहाँ से इस पैटर्न से इसमें स्टार्टिंग है, इस वाले डिज़ाइन से, समझिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए यहाँ से स्टार्टिंग है, उसके बाद फिर हमने यहाँ पे इस पैटर्न को ख़त्म किया है 20 फंदों पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 फंदे हैं ये, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 फंदे, यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 फंदे, यानी कि 10 के मल्टीपल में हमें इसमें फंदे लेने हैं, 10 के गुने में। और 2 फंदे मैंने इसमें एक्स्ट्रा रखे हुए एज स्टिच के लिए। तो अब देखिए यहाँ पे क्या किया मैंने, ये देखिए यहाँ तक ये पैटर्न है, यहाँ तक, और यहीं से ये पैटर्न रिपीट हो गया। ये देखिए ये जो पैटर्न है यहाँ पे, वही यहाँ पे आया है, फिर ये जो यहाँ पे है वही यहाँ पे आया है। ठीक है, 10 फंदों का ये पैटर्न है और 20 सलाइयों में ये कंप्लीट होता है। देखिए यहाँ तक ये 10 सलाइयाँ, फिर यहाँ से ये पैटर्न चेंज हो जाता है, आप देख पा रहे हैं, देखिए और नज़दीक से देख लीजिए, ये देखिए इसके ऊपर यहाँ पे जो हमने पैटर्न यूज़ किया है वो हमने फिर यहाँ पे यूज़ किया है, और ये जो पैटर्न है वो हमने इसके ऊपर चेंज किया है। ये चेंज हो जाते हैं पैटर्न आपस में। ठीक है, तो मैं यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक मैंने ये किस तरह से बनाया है इसको मैं एक छोटे से सैंपल में आपको बताती हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने सिलाइयों पे 22 फंदे डाले हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने 122 डाले हैं और यहाँ पे मैंने 22 डाले हैं ओनली, 10 और 10, 20 फंदों में मैं आपको ये डिज़ाइन बताऊंगी और 2 फंदे मैंने एक्स्ट्रा किए हुए हैं। अब देखिए ये हमारी रॉन्ग साइड है, मैं आपको रॉन्ग साइड से बताऊंगी, ये मैं इसको थोड़ा सा साइड रख देती हूँ। देखिए ये रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड से मैं पहले तो पूरी रो उल्टी उल्टी बना के कंप्लीट कर लूंगी, रॉन्ग साइड से मैं पूरी रो उल्टी बनाऊंगी, फ्रंट साइड से मैं अपनी डिजाइन स्टार्ट करूंगी।
कि मैं फ्रंट साइड पे आ गई हूँ। ठीक है, तो अब हम रिब बनाएंगे पहले दो सीधे दो उल्टे की। देखिए, एक फंदा स्लिप करूंगी और एक फंदा मैं सीधा बनाऊंगी। धागा अपनी तरफ करके दो फंदे में देखिए इस तरह से उल्टे बनाऊंगी। धागा पीछे करके दो फंदे सीधे बनाऊंगी। धागा अपनी तरफ करके दो फंदे उल्टे बनाऊंगी। धागा पीछे करके दो फंदे सीधे बनाऊंगी। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, इसी तरह से पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए, दो फंदे उल्टे और लास्ट में ये दो फंदे सीधे। अब हम रॉन्ग साइड आ जाएंगे। रॉन्ग साइड से भी सेम यही करेंगे जो हमने फ्रंट साइड से किया। जो फंदा जैसा दिख रहा है बस वैसा ही बनाएंगे, दो उल्टे दो सीधे। देखिए, अब यहाँ पे ये फंदा हमें उल्टा दिख रहा है, तो इसको हम पर्ल वाइज स्लिप करेंगे रॉन्ग साइड से और इसको हम उल्टा बना लेंगे दूसरे फंदे को। तो दो फंदे उल्टे हो गए, धागा पीछे, दो फंदे सीधे, धागा आगे, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे। देखिए, सीधे दिख रहे हैं हमें, तो इनको हम सीधा बनाएंगे। दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे। तो ये देखिए, जिस तरह से हमने ये दो सिलाइयाँ बनाई हैं, रो वन और रो टू, ये देखिए इस तरह से आया है ये 2x2 का बॉर्डर। इसी तरह से हम 14 सिलाइयाँ बना लेंगे। ठीक है, कैप बनाने के लिए मैंने 14 सिलाइयाँ बनाई हैं, तो मैं 14 सिलाइयाँ बना लूँगी। आप अगर आपकी वूल थोड़ी पतली है और आप 10 नंबर का नीडल यूज़ कीजिएगा उसमें, और 4 ply वूल है आपकी, तो आप उसमें कम से कम 16 सिलाइयाँ बनाइएगा। तो अब देखिए, यहाँ पे मैंने ये थोड़ा सा रिब क्लियरली दिखाई दे, तो मैंने 4 सिलाइयाँ यहाँ पे बना ली हैं। देखिए, फ्रंट साइड से ये और रॉन्ग साइड से देखिए इस तरह से। तो ये 4 सिलाइयाँ जो मैंने बनाई हैं, तो मैं इसे 14 सिलाइयाँ कैप में मैंने 14 सिलाइयाँ बनाई हैं। ठीक है, अब जैसे ही आप 14 सिलाइयाँ बना लेंगे, उसके बाद फिर आपने फंदे बढ़ाने हैं, 20 फंदे बढ़ाने हैं टोटल पूरी कैप में, 122 फंदे डालने के बाद। अब बढ़ाने कैसे हैं ये देख लीजिए थोड़ा सा तरीका। एक फंदा स्लिप करेंगे, 5 फंदे सीधे बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 5 फंदे सीधे बुने और एक ये स्लिप किया हुआ फंदा, 6 हो गए। हर 6 फंदे के बाद आपने एक फंदा इस तरह से बढ़ाना है, फिर 6 फंदे सीधे बुनेंगे आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, हर 6 फंदे के बाद एक फंदा इस तरह से आपने बढ़ाना है, फिर 6 फंदे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर एक फंदा आपने बढ़ाना है। जैसे यहाँ पर 4 फंदे बढ़ गए, उसी तरह से आपने पूरी सिलाई में 20 फंदे बढ़ा लेने। एक आध फंदा आगे पीछे होता है, जैसे कि 6 के बाद 7 या लास्ट में एक दो एक्स्ट्रा होता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टोटल आपने इस जगह पे बॉर्डर के बाद 142 फंदे कर लेने हैं। उसके बाद आपने पीछे से पूरी सिलाई को उल्टा बना लेना है इस तरह से, पूरी रो को उल्टा बना के कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने ये बॉर्डर बना लिया। अब इसके बाद हमें यहाँ पे फंदे बढ़ाने हैं। यहाँ पे हमने 122 फंदे डाले थे, 14 सिलाइयों के बाद हमने देखिए एक फंदा स्लिप करके 5 फंदे सीधे बनाने हैं, 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब ये जो स्लिप किया है उसे मिला के 5 फंदे सीधे हो गए। उसके बाद ये जो फंदा है सीधा, छठवां फंदा, उसको हमें एक फंदा इंक्रीज करना है। इसके बाद फिर से हमें 5 फंदे सीधे बनाने हैं, 1, 2,
फोर फाइव। अब नेक्स्ट हमें फिर से एक फंदा इंक्रीज करना है छठवें फंदे पे। हर छठवें फंदे पे हमें फंदा इंक्रीज करना है। देखिए वन टू थ्री फोर फाइव, यहाँ पे हमें फंदा इंक्रीज करना है। इसी तरह से हमें वन टू लास्ट में ये जो उतने फंदे बचे उतना हम बुन लेंगे। इसके बाद रॉन्ग साइड से, यानी कि आपने 122 फंदे डालने के बाद, ये बॉर्डर जब आप 14 या 16 सिलाइयाँ बना लेते हैं, उसके बाद आपने हर छठवें फंदे पे एक एक फंदा इंक्रीज करते हुए जाना है, तो टोटल हमारे पास 142 फंदे हो जाएंगे। आपने 20 फंदे इंक्रीज करने हैं। रॉन्ग साइड से आपने पूरी रो को उल्टा बना के कंप्लीट करना है। इसके बाद जो हमारी फ्रंट साइड पे जो रो आएगी, वहाँ से हमारा पैटर्न स्टार्ट होगा। ठीक है, इसको हम उल्टा बना के कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए, इसके बाद हमें फ्रंट साइड से आ गए हैं। अब हमें यहाँ पे अपना पैटर्न स्टार्ट करना है। ठीक है, 20 फंदों पे स्टार्ट करना है। तो मैं यहाँ पे बताती हूँ। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे 142 फंदे हैं। अब देखिए, पहला फंदा हम स्लिप करेंगे। पैटर्न की हमारी फर्स्ट रो है, ध्यान दीजिएगा। पहला फंदा सीधा करेंगे, स्लिप कर लेंगे। स्लिप करने के बाद धागा अपनी तरफ लाएंगे। दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे। 10 फंदे हम इस तरह से बनाएंगे, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे। ये देखिए, टोटल हमारे 10 फंदे हो गए। ये एज स्टिच हम काउंट नहीं करेंगे, अलग छोड़ देंगे। 2 4 6 8 10। अब हम पैटर्न चेंज करेंगे। यहाँ से धागा पीछे जाएगा, 10 फंदे हम सीधे बनाएंगे। यहाँ से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10। एज स्टिच को फ्रंट साइड से हम सीधा बना लेंगे। फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो गई। सॉरी गाइस। अब ये हमारी सेकेंड रो है। सेकेंड रो में देखिए, जो हमें जैसा दिख रहा है 10 सिलाइयां, रॉन्ग साइड से हम सेम वैसे ही बनाएंगे। जो फंदा जैसा दिख रहा है 10 सिलाइयां, तो देखिए ये हम पर्ल वाइज स्लिप कर लेंगे। उसके बाद ये हमें 10 फंदे उल्टे दिख रहे हैं। यहां से मैं थोड़ा सा नजदीक कर लेती हूँ कैमरा। यस, 10 फंदे हमें ये उल्टे दिख रहे हैं। 10 फंदे हम उल्टे बना लेंगे। देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, देखिए 10। ठीक है, जो फंदे हमने यहाँ 10 सीधे बनाए थे, वो हमने इधर 10 उल्टे बना लिए। अब ये देखिए, ये हमें फंदा सीधा दिख रहा है, दो फंदे सीधे दिख रहे हैं। धागा पीछे ले जाएंगे, दो फंदे हम इधर से रॉन्ग साइड से सीधे बनाएंगे। धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे। धागा अपनी तरफ, एज स्टिच को उल्टा बना लेंगे। तो ये देखिए, दो सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो गई। टोटल 18 लाइंस रहेंगे। अब ये देखिए, ये जो हमने 10 फंदे बनाए हैं, ये हमारे पूरी 10 सिलाई तक सेम ऐसे ही चलेंगे। दो उल्टे दो सीधे, दो उल्टे दो सीधे, फ्रंट साइड से भी और रॉन्ग साइड से भी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम हर दो सिलाई के बाद चेंज करेंगे। ये जो 10 फंदे हैं, हर दो सिलाई के बाद हम यहाँ पे चेंज करेंगे। तो ये थर्ड रो है। पहला फंदा स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे,
दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे। ठीक है, अब ये जो 10 फंदे हमने सीधे बनाए थे, अब इन सभी 10 फंदों को हम उल्टा बना लेंगे यहां से। ठीक है, ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एज स्टिच को फ्रंट साइड से सीधा बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से आप रॉन्ग साइड आ जाएंगे, फोर्थ रो है। तो देखिए यहाँ पे ये जो फंदे हमने इधर उल्टे बनाए थे 10 फंदे, यहाँ पे अब हम हमारे पास ये 10 फंदे सीधे आ गए। तो एज स्टिच को पर्ल वाइज स्लिप करके इन 10 फंदों को धागा पीछे ले जाके सीधा बना लेंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब ये 2 फंदे सीधे, 1, 2, दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, एज स्टिच को उल्टा बना लेंगे। ठीक है, ये देखिए 4 सिलाइयां कंप्लीट हो गई। ठीक है, 4 सिलाइयां कंप्लीट हो गई। अब हम फिर से देखिए, 2 सिलाई हमने यहाँ सीधी बनाई थी, फिर ये 2 उल्टी आ गई, उसके बाद अब हम यहाँ सीधी बनाएंगे और ये रिब सेम चलेगी। अब हमारी ये 5वीं सिलाई है, ये रिब जैसे हम बना रहे थे पूरी 10 सिलाइयों तक ऐसा ही बनाएंगे। 2 उल्टे 2 सीधे, 2 उल्टे 2 सीधे, 2 उल्टे 2 सीधे, 2 उल्टे। अब देखिए यहां पे ये हमने लास्ट फ्रंट साइड से हमने उल्टी बनाई थी सिलाई, अब हम इधर ये 10 फंदे सीधे बनाएंगे। ये देखिए, अगर ये मैं आपको ज्यादा फंदों पे बताती तो ये आपको समझ में नहीं आता, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता, इसलिए मैंने यहाँ पे कम फंदों पे बताया है। ये देखिए, और एज स्टिच को हम सॉरी सीधा ही बना लेंगे फ्रंट साइड से। इसके बाद आप चाहे 20, ये मैंने 20 फंदों पे बताया, चाहे आप 40 फंदे डालें, 60 फंदे बस डालें, बस यही रिपीट हो जाएगा। इसके बाद अगर आप ज्यादा फंदे डालते हैं तो यहीं से फिर से स्टार्ट हो जाएगा पैटर्न। देखिए 6वीं सिलाई है, सॉरी गाइज मेरा गला थोड़ा सा खराब है, स्लिप करके। अब ये देखिए हमारे पास 10 फंदे हमने इधर से सीधे बनाए थे, तो इधर से हमारे पास उल्टे आ गए हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब ये रिब बनाएंगे 2 उल्टे 2 सीधे की, 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे 2, वो सॉरी एज स्टिच को हम उल्टा बना लेंगे। ये देखिए, अब हमारी 6 सिलाइयां कंप्लीट हो गई। 7वीं सिलाई पर हैं हम, एज स्टिच को स्लिप करेंगे, दस फंदों की रिब बनाएंगे, ये देखिए।
अब हमने यहाँ पे ये दो फंद ये सीधी सिलाइयाँ बनाई थी इस साइड से, अब हम उल्टी सिलाई बनाएंगे, 10 उल्टे फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एज स्टिच को हम सीधा बना लेंगे। ये देखिए 7 सिलाइयां हमारी कंप्लीट हुई। अब 8वीं सिलाई पे हैं हम रॉन्ग साइड से, एज स्टिच को स्लिप करेंगे और जो फंदे हमने यहाँ 10 उल्टे बनाए थे यहाँ पे हम धागा पीछे करके सीधे बना लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर ये रिब बना लेंगे, दो सीधे दो उल्टे की। दो सीधे दो उल्टे दो सीधे एज स्टिच को उल्टा बना लेंगे। 8 सिलाइयाँ हमने कंप्लीट कर ली हैं। अब यहाँ पे 2 सिलाइयाँ हम और बनाएंगे, उसके बाद फिर हम अपना पैटर्न चेंज करेंगे। थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे इसमें। दो उल्टे, ठीक है, 10 फंदे हमने ये बनाए। इसके बाद ये देखिए यहाँ पे हमने दो उल्टे बनाए थे 10 फंदे, अब हम यहाँ से 10 फंदे सीधे बना लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एज स्टिच को सीधा बना लेंगे। ये 9th रो थी हमारी, अब हम 10th रो पे हैं। जो फंदे हमने यहाँ पे सीधे बनाए थे पीछे, इधर हम उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब दो सीधे दो उल्टे दो सीधे दो उल्टे दो सीधे एज स्टिच को हम उल्टा बना लेंगे। अब देखिए हमने ये 10 सलाइयां कंप्लीट कर ली, ठीक है। अब पैटर्न तो तरीका तो हमारा यही रहेगा, सीधे उल्टे का, लेकिन अब हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। यहाँ पे ये जो 10 फंदे हमने डाले हैं डिजाइन, 10 फंदे और 10 सिलाइयाँ जो बनाई हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, 10 फंदे यहाँ से लेके यहाँ तक, 10 सिलाइयाँ यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हम इसके इन 10 फंदों के ऊपर करेंगे। अब ये जो 10 फंदे और 10 सिलाइयाँ मैंने यहाँ बनाई हैं ये हम इनके ऊपर कर देंगे, बस चेंज कर देंगे इनको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने पहले 10 फंदे सीधे बनाए थे, ठीक है, तो एज स्टिच के बाद हम एज स्टिच ले लेंगे, उसके बाद हम 10 फंदे सीधे बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 11वीं सिलाई है ये हमारी। उसके बाद हमने ये जो फंदे बनाए थे यहां से, दो उल्टे दो सीधे दो उल्टे दो सीधे दो उल्टे, वो हम यहां पे बनाएंगे। तो देखिए हम बनाते हैं धागा अपनी तरफ करके, दो उल्टे दो सीधे दो उल्टे
दो सीधे दो उल्टे, एज स्टिच को हम सीधा बना लेंगे फ्रंट साइड से हैं। अब बैक साइड से भी सेम वही करेंगे, जो हम यहां कर रहे थे वो हम यहां करेंगे, जो यहां कर रहे थे वो यहां करेंगे, ठीक है। तो ये बैक साइड से जो रिब जैसी चल रही थी वैसी ही चलेगी। एज स्टिच को हम उतार लेंगे, धागा पीछे करके जो फंदा जैसा दिख रहा है वैसे बनाएंगे। दो सीधे हैं ये, इसके बाद दो उल्टे, देखिए दो सीधे दो उल्टे दो सीधे। अब ये जो फंदे हमें 10 उल्टे दिख रहे हैं इन्हें हम उल्टा बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एज स्टिच को भी उल्टा बना लेंगे 11, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने ये दो सलाइयाँ सीधी निकाली थी, ये दो सीधी हो गई। अब हम यहाँ पे उल्टी सलाइयाँ बनाएंगे, 10 फंदे उल्टे बनाएंगे, ठीक है। धागा अपनी तरफ लेके 10 फंदे उल्टे बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। थर्ड रो ये हमारी। अब दो उल्टे ये रिब बनाएंगे दो सीधे की, दो उल्टे दो सीधे। ये रिब तो सेम ऐसे ही चलेगी जैसे चल रही थी, दो उल्टे दो सीधे की, पूरी 10 सलाइयों तक, कोई चेंज नहीं है इसमें। एज स्टिच को सीधा बना लेंगे। ये देखिए अब हम फोर्थ रो पे हैं लॉन्ग साइड से। दो सीधे दो उल्टे दो सीधे दो उल्टे दो सीधे। देखिए इसके बाद ये जो 10 फंदे, दो सीधे बनाने के बाद ये जो 10 फंदे हमने इधर उल्टे बनाए थे, इधर हमारे पास सीधे आ गए हैं। 10 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एज स्टिच को उल्टा बना लेंगे। ये देखिए 4 सलाइयां हमने बना ली। अब यहां पे ये 10 फंदे हम सीधे बनाएंगे, एज स्टिच को स्लिप करके 10 फंदे सीधे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखिए 10। अब 10 फंदे हम यहाँ पे उल्टे बनाएंगे, वो सॉरी 10 फंदे नहीं, रिब बनाएंगे 10 फंदों की, दो उल्टे दो सीधे की। बहुत इजी है, देखने में लगता है जैसे बहुत हार्ड होगा, बहुत इजी सा पैटर्न है ये, बस थोड़ा सा समझने का फेर है। एक बार समझ में आ जाता है तो ये बहुत अच्छे से बन जाता है। देखिए अब हम 6वीं सलाई पे बैक साइड से हैं, एक फंदा स्लिप करेंगे, उसके बाद रिब बनाएंगे दो सीधे दो उल्टे की। 10 फंदे इसी तरह से बनाएंगे, दो उल्टे दो सीधे। गाइज अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया करें तो आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक किया कीजिए, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है उससे मुझे। अभी 10 फंदे उल्टे बना लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10 एज स्टिच को हम उल्टा बना लेंगे। ये देखिए 6 सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ पे उल्टे उल्टे 10 फंदे उल्टे बनाएंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, 10 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 फंदों की रिब बनाएंगे, 2 उल्टे 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे 2 उल्टे एज स्टिच को सीधा बना लेंगे, रॉन्ग साइड से आ जाएंगे, एज स्टिच को उल्टा बना के 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे सॉरी हाँ जी 2, 4, 6, 8, 10 ये 10 फंदे बनाने के बाद ये 10 फंदे हमारे पास इधर उल्टे थे, अब हम इधर सीधे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एज स्टिच को उल्टा बना लेंगे, उल्टी साइड से हैं तो उल्टा बनाएंगे। ये देखिए 8 सिलाइयाँ हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली। देखिए पैटर्न कितना खूबसूरत लग रहा है ये देख लीजिए आप। इसके बाद यहाँ पे 10 फंदे हम सीधे बनाएंगे, लास्ट रो में हमने 10 फंदे उल्टे बनाए थे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अब रिब बनाएंगे 2 उल्टे 2 सीधे की, 2 उल्टे 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे 2 उल्टे और 1 फंदा सीधा। अब हम रॉन्ग साइड आ गए हैं, एज स्टिच को पर्ल वाइज स्लिप करके 2 फंदे सीधे बना लेंगे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे। अब ये 10 फंदे हम उल्टे बना लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एज स्टिच को भी हम उल्टा बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये 20 सिलाइयाँ हमने कंप्लीट कर ली हैं पैटर्न की। अब देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है ये पैटर्न बनने के बाद, आप देख सकते हैं खुद ही। यहाँ पे ये हमारा 10 लाइंस का पैटर्न 20 फंदों पे बनके तैयार हो गया। देखिए बिल्कुल सेम है, सेम इसी तरह से आपको बनाना है, क्योंकि मैंने आपको ये कम फंदों पे बताया तो आपको अच्छे से समझ में आता आ गया होगा। अगर मैं इसको फुल ज़्यादा फंदों पे बताती तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है समझने में, थोड़ा सा घिचपिच सा हो जाता है। तो इसी तरह से ये पैटर्न मैंने यहाँ पर डाला है। अब हम आगे तो गाइज अगर आप इसको 4 प्लाई वूल से बनाते हैं तो आप इसकी लेंथ जो है 8.5 इंच के आसपास या 9 इंच के आसपास बना लें। अगर आपको थोड़ा सा लंबा बीनी टाइप का लुक चाहिए तो आप जितना चाहें उतना लंबा आप बना सकते हैं, 9 ही 9.5 इंच, ठीक है। अब डिक्रीजिंग, अब हम डिक्रीजिंग करेंगे तो किस तरह से करेंगे, यहाँ पे
देखिए पहला फंदा हम इस तरह से स्लिप कर लेंगे, उसके बाद हम 9 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फंदे सीधे बुने और इसे मिला के ये 10वां फंदा हो गया। उसके बाद हम 2 का 1 करेंगे, साइडों से हम 10 10 फंदे बाद 2 का 1 करेंगे और सेंटर में हम 19 फंदे बाद 2 का 1 करेंगे, इस रूप है। तो देखिए इसके बाद हम 19 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 फंदे बना लिए। अब हम फिर से देखिए इस तरह से 2 का 1 करेंगे, अब हम फिर से 19 फंदे बनाएंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, 1, इसी तरह से पूरी रो में 19 फंदे बनाएंगे, 2 का 1 करेंगे, 19 फंदे बनाएंगे, 2 का 1 करेंगे, ठीक है। फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन, देखिए 19, और लास्ट में हमारे पास जो भी फंदे बचे उनको हम 2 का 1 करके सीधा बना लेंगे, 2 का 1, उसके बाद में हम सीधा बना लेंगे इन दोनों फंदों को। फिर से हम रॉन्ग साइड आ जाएंगे और रॉन्ग साइड हम पूरी रो को उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे, पूरी रो को हम उल्टा उल्टा बना लेंगे। इस तरह से अभी ये देखिए रॉन्ग साइड से मैंने पूरी रो को उल्टा बना के कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए फ्रंट साइड जी से आ गए हम लोग, फ्रंट साइड से अब देखिए फिर से क्या करना है। अब आप देख लीजिए, सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने 10 फंदे बना के 2 का 1 किया था, अब हम 9 फंदे बना के 2 का 1 करेंगे। ये देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब हम यहाँ 2 का 1 कर देंगे। इसके बाद पहले हमने 19 फंदे बनाए थे, फिर 2 का 1 किया था, पूरी रो में 19 फंदे बनाए फिर 2 का 1 किया, लेकिन अब हम 18 फंदे बनाएंगे फिर 2 का 1 करेंगे, 18 फंदे बनाएंगे फिर 2 का 1 करेंगे। नेक्स्ट रो जो उल्टी साइड से हम उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे, और फिर जब हम नेक्स्ट फ्रंट साइड से आएंगे तब हम 17 फंदे बनाए। शुरुआत में तो अभी हमने 9 फंदे बनाए हैं, स्टार्टिंग में हम 8 फंदे बनाएंगे फिर 2 का 1 करेंगे, और बीच में 17 फंदे बनाएंगे फिर 2 का 1 करेंगे, है ना। इस तरह से करीबन मैंने ये 2 सिलाई कंप्लीट कर ली, 8 सिलाई में और कंप्लीट कर लूँगी, ठीक है। अभी देखिए मैं 18 फंदे बनाऊँगी, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। 18 फंदे बनाए, अब हम 2 का 1 करेंगे। इसी तरह से हम पूरी सिलाई में करते जाएंगे, 18 फंदे बनाएंगे 2 का 1 करेंगे, 18 फंदे बनाएंगे 2 का 1 करेंगे, फिर लास्ट में जो भी फंदे बचेंगे उनको हम सीधा बना लेंगे। उल्टी साइड से पूरी रो हम उल्टी बना के कंप्लीट करेंगे, तो हमारे पास ये इस तरह से 4 सिलाइयाँ हो जाएंगी, फिर 4 सिलाइयाँ हमें और इसी तरह से बनानी है, ठीक है। फिर 5वीं सिलाई पे हम बीच में घटाएंगे, अभी हमने कितने किए हैं, 18 बनाए हैं, तब हम 17 बनाएंगे फिर 2 का 1 करेंगे, ठीक है। फिर 7वीं सिलाई पे हम
16 बनाएंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, इसी तरह से एक एक फंदा हम इधर कम करते जाएंगे। तो इतना कंप्लीट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ आगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने फंदों को घटा लिया है और लास्ट में यहाँ पे देखिए 4 फंदे बना के मैंने 2 का 1 किया, 4 फंदे रह गए मेरे पास, सॉरी 5 फंदे बना के 2 का 1 किया, मेरे पास यहाँ पे 4 फंदे रह गए हैं, फिर 2 का 1। उसके बाद यहाँ बीच में मैंने 15 फंदे बनाए, फिर 2 का 1, 15 फंदे बनाए, फिर 2 का 1, ठीक है। तो ऐसे करीबन मैंने 8 सलाइयाँ बना ली हैं। अब डिक्रीजिंग करने के बाद मेरे पास ये इतने फंदे रह गए हैं, ठीक है। अब मैं इन सभी फंदों को एक साथ बंद करूंगी, और डिक्रीजिंग के बाद मेरे पास लेंथ कितनी आ गई है ये मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देती हूँ। पहले तो मेरे पास ये देखिए 9.5 इंच के आसपास थी, अब डिक्रीजिंग के बाद मेरे पास थोड़ी सी लेंथ बढ़ गई है, तो देखिए 10.5 के समथिंग आ गई है, 11.5 के करीबन। तो अब मैं इसको यहाँ पे बंद करूँगी। तो मैं क्या करूँगी कि देखिए डिक्रीजिंग के बाद मैं क्या करूँगी, मेरे पास यहाँ सिलाई पे बहुत सारे फंदे हैं, तो मैं इन सभी फंदों को 2 का 1 2 का 1 करके थोड़ा कम कर लूँगी, उसके बाद मैं बंद कर दूँगी, ठीक है। पहला फंदा स्लिप करके यहाँ पे देखिए 2 का 1, फिर से देखिए 2 का 1, ये देखिए दो का एक, इस तरह से सभी फंदों को 2 का 1 2 का 1 करके एक पूरी रो बस बंद कर लूंगी, और उल्टी साइड से पूरी सिलाई उल्टी बना लूंगी, उस फ्रंट साइड से आके मैं फंदों को ये देखिए 2 का 1 करते हुए लास्ट में ये 2 फंदे हम सीधे बुन लेंगे, ठीक है। पूरी रो में हमने 2 का 1 2 का 1 करते हुए आए हैं, अभी हम रॉन्ग साइड से पूरी रो को उल्टा बना लेंगे, उसके बाद सभी फंदों को बंद कर देंगे। देखिए पहला फंदा स्लिप करके इस तरह से पूरी लाइन को हम उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लेंगे। सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे। ये देखिए सभी फंदों को मैंने उल्टा बना के कंप्लीट कर दिया। अब देखिए फ्रंट साइड से अब हम सभी फंदों को, अब हमारे पास यहाँ देखिए बहुत कम फंदे रह गए हैं, तो इन सभी फंदों को हम बंद कर देंगे। धागा हम थोड़ा दूर से काट लेंगे, इसको यहाँ डबल करके और यहाँ तक सिलनी तक इतना बड़ा हम धागा काट लेंगे। और देखिए इस तरह की निडिल में हम धागा डाल लेंगे। ये देखिए मैंने धागा डाल लिया है यहाँ पे, अब मैं इसको धागे को थोड़ा डबल कर लूँगी यहाँ तक, देखिए ये इस तरह से इतना खींचूँगी कि ये धागा हमारा डबल आ जाए। ये देखिए यहाँ पे डबल हो गया। अब मैं यहाँ पे एक एक करके सभी फंदों को निडल पे ले लूंगी, देखिए इस तरह से। बहुत आराम से सावधानी से लीजिएगा, एक भी फंदा आपका मिस नहीं हो जाए, अगर एक भी फंदा आपका मिस हो गया तो वहीं से आपका फंदा गिर जाएगा और वहीं से आपकी कैप खराब हो जाएगी।
ये देखिए, थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ मैं। ये देखिए इस तरह से सारे फंदे हमारे इस निडल पे आ गए हैं यहाँ पे, ये देखिए। और अब हम यहाँ पे इसको टाइट खींच लेंगे, ये देखिए। और इसमें हम टाइटली नॉट लगा देंगे एक, ये देखिए, ये देखिए। अब ये यहाँ पे इस तरह से आया है सर्कुलर। अब आप क्या करेंगे कि इस कैप को या तो आप चाहें तो फ्रंट साइड से या फिर रॉन्ग साइड से, जैसे भी चाहें आप, वैसे देखिए यहाँ से जहाँ से ओपन है इसको पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ तक इसको इस तरह से स्टिच कर लीजिएगा। इसको आप यहाँ से ये पूरा सिल लीजिएगा, ठीक है। जैसे भी चाहें आप वैसे सिलिएगा। तो पहले मैं इसको सिलने के बाद इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये कैप बनकर तैयार हो गई है। बहुत बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर लग रही है ये कैप। मैं इसका आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ, ये देखिए। आई डोंट नो कि इसका कलर ग्रे क्यों लग रहा है, बट इसका कलर ना ब्राउन है, ग्रे नहीं है, ब्राउन है शायद, लाइटिंग इफेक्ट है कुछ। यहाँ पे देखिए मैंने ये स्टिचिंग लगा दी है इस जगह पे, ये देखिए। और ये वाला लुक देखिए इस तरह से आया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना प्यारा सा, इतना फाइनल लुक, इतना अच्छा फाइन पैटर्न है ना ये, इतना बहुत ही अच्छा आया है इसका ये लुक। लेंथ आपको मैंने आपको साथ ही साथ पूरी मेजर करके सारा कुछ बता दिया था। और ये फुल साइज़ है, एडल्ट साइज़ है, देखिए बहुत अच्छा साइज़ है बीनी कैप। और एक्सल साइज़ जिनका है उनको भी ये बहुत अच्छा आएगा, और डबल एक्सल को भी ये बहुत अच्छा आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सब्सक्राइब करना आजकल आप लोग भूल जाते हैं, साथ में बेल बटन जो है उसे भी प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से सबसे पहले मिल जाए। और शेयर करें सभी के साथ, जिससे कि आपके साथ साथ और लोगों की भी हेल्प हो सके और लोग भी इस तरह की कैप बना सकें। और गाइज, मेरा जो दूसरा चैनल है क्रोचेट का, अगर आप क्रोचेट के कैप वगैरह देखना चाहते हैं तो आप मेरे उस चैनल को पर विजिट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो मेरा निटिंग का उसका लड्डू गोपाल जी का और माता रानी का, भगवान जी के कपड़ों का जो चैनल है, आप उसे भी देख सकते हैं। अगर आप अपने भगवान जी के लिए कपड़े बनाना चाहते हैं, ड्रेसेस बनाना चाहते हैं, तो मैं वहाँ पे शेयर करती हूँ निटिंग और क्रोचेटिंग दोनों में। तो लिंक दोनों चैनल के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए वहाँ पर आपको तो आप एक बार मेरे उन चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो और ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट पे ये बनाया हुआ है ये वीडियो, ये कैप का वीडियो। बहुत ही प्यारा, बहुत सुंदर आया है, एक बार आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।